का अभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जैसा कि वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण होते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पटक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को इसको करना परम कल्याणकारी है। श्रावण मास के किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत व शीघ्र फल देने वाला होता है। आइए जानते हैं रुद्राभिषेक है क्या। अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ भगवान रुद्र का अभिषेक अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूप शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में विस्तृत है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कराना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुतम दुखम द्रावयति नाशायति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले जाने अनजाने में प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक की जो प्रचलित कथा है उसमें कहा गया है भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। पर ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं पता नहीं चला तो वे हार मान लिए और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती के मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि हे नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह से आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है। भगवान शिव ने कहा,
हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक कराता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूं।